दिल्ली से ही बड़ी खबर है, जहां दिल्ली के नागलोई में बदमाशों ने फर्नीचर की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। अज्ञात बदमाशों ने आधा दर्जन के करीब गोलियां चलाईं। सूत्रों के मुताबिक नागलोई की वारदात में गोलीबारी करने वाले शूटर्स ने एक पर्ची भी छोड़ी है। पर्ची में गैंगस्टर अंकेश लकड़ा का नाम लिखा हुआ है और 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। दिल्ली पुलिस ने शूटर्स को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। तो पर्ची डालकर फरार हुए हैं, ताबड़तोड़ गोलियां भी फायर करी है। हम फिलहाल नागलोई में मौजूद है। मेरे दाहिनी ओर आप देख पाएंगे बिल्कुल हाईवे है और चलती फिरती तमाम सारी जो गाड़ियां हैं वो आपको नजर आएंगी। और दोपहर तकरीबन 1:30 बजे के आसपास हाईवे के ठीक बगल लक्ष्मी प्लाईवुड की जो दुकान है वहां पर कई बदमाश आते हैं और कई राउंड फायरिंग करते हैं। और जानकारी के मुताबिक 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की भी बात इस मामले में सामने आ रही है। जब यह फायरिंग की घटना हुई तब ये जो रेहड़ी पटरी दुकान है ये मेरे ठीक बगल आपको नजर आएगी और ये बिल्कुल सटी हुई दुकान है। यहाँ पर जो दुकान चलाते हैं उनसे हम बात करेंगे कि जब ये घटना हुई तब वो किस जगह पर थे और इनका किस तरह से इन्होंने देखा। भैया क्या नाम है आपका? जी रहीम खान नाम है। रहीम जी, जब ये पूरी घटना हुई तब आप कहाँ पर थे? नहीं थे ठेले पे, हमने तो आवाज सुनी थी। अच्छा, तो आवाज कितनी बार आपको सुनाई थी गोली चलने? 5-6 बजे आवाज सुनाई दी थी। अच्छा जी, तो आप यहीं पर थे या फिर इधर उधर आपने भागने की कोशिश की? जी हम तो मतलब चले गए थे, देख रहे थे मतलब क्या फायरिंग मतलब कह की है। हाँ। जी देखने गए थे। अच्छा, पुलिस उस टाइम कुछ देर बाद आई, पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी, क्या था इस्थिति? जी पुलिस उनका मतलब उनका पता नहीं है तो खोए। अच्छा, आप दुकान कितने बजे से कितने बजे तक लगाते हैं? दुकान तो हम 7 बजे से 11 बजे तक लगाते हैं। जी पहले भी कोई घटना हुई इस तरह की, कोई कहीं फायरिंग हुई, कुछ गोली चली? नहीं नहीं, हमने तो सुना नहीं। तो रेहड़ी पटरी की जो दुकान लगाने वाले रहीम है वो उनसे हमने बात की तो उनका साफ तौर से कहना है जब ये पूरी घटना हुई तब तकरीबन 5 से 6 बार जो फायरिंग है वो हुई, लेकिन बड़ी बात यही है कि बिल्कुल हाईवे से ठीक सटे जो इलाका है, सटा हुआ जो इलाका है और उसके बगल जो प्लाईवुड की दुकान चलती है वहां पर दोपहर के समय दिन दहाड़े कई राउंड फायरिंग होती है। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 6 बार जो अज्ञात बदमाश थे जो यहां पर पहुंचे हुए थे उन्होंने यहां पर फायरिंग की और जिसके बाद 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांगने की जो बात है वो भी इस पूरे मामले में सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है, तमाम सारे सीसीटीवी जो है इलाके के वो भी खंगाले जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी जब इस पूरी मामले की जांच आगे बढ़ती है तब क्या तस्वीर सामने निकल कर आती है। कैमरामैन सीके सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।